आजकल चीजें खरीदने वाली वीडियोस काफी चल रही है और मुझे खरीदना था एक माउस भी, तो लगा यार साथ में खरीदते हैं। तो अभी के लिए मैं दिखाता हूँ मेरे पास कौन सा माउस है। ठीक है, ये वाला माउस है लाइक जो प्राइमरी में यूज करता हूँ, एंड ये अच्छा माउस है। बस इसमें एक ही दिक्कत है, इसमें है ये वायर। ठीक है, मुझे चाहिए एक वायरलेस माउस। तो हम लोग क्या करते हैं यार, गेमिंग माउस सर्च करते हैं यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली सबसे पहले यही वाला आता है और मेरे यहाँ पे यार सब चीजें नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाती है। ये बात अच्छी है। हम लोग देखते हैं सबसे एक्सपेंसिव क्या है, 56,000 का माउस। हेलो, एक मिनट, ये क्या है? रीजर इम्पेरेटर एर्गोनॉमिक पीसी गेमिंग माउस 56,000 का, और इतनी लेट आएगा। वेट, इसको लिया भी है लोगों ने, मुझे देखने दो। रेटिंग थोड़ी सी सही है, नॉट दैट ग्रेट फॉर द प्राइस। भाई 56,000 में पूरा पीसी आ जाता है। नेक्स्ट क्या, ये है 39,000 का, और इसको किसी ने लिया भी नहीं है। भाई देखने में, देखते कैसा ये, देखने में भी एकदम नॉर्मल सा, इतना महंगा क्यों है ये माउस? ओके, सामने से थोड़ा अलग दिख रहा है, बट इतना महंगा क्यों है स्टिल ये? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये 34,000 का, ये एटलीस्ट दिखने में थोड़ा सा अजीब सा है, लाइक सीरियसली, बट स्टिल यार इतना महंगा क्यों है ये सब? ओके, नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए अपने को। एक बारी में ये लेने का कोई सोच सकता है, बट स्टिल ये वाला भी इतना महंगा क्यों है पता नहीं। ये है लॉजिटेक जी प्रो वायरलेस, तो इसको भी ले सकते हैं एक्चुअली, बट भाई कुछ ज्यादा ही महंगा ये। ये जो भाई रेजर के माउस है ना भाई, कुछ अलग ही दिखते। ये देखो क्या क्या भाई, पूरा चेंज कर सकते हैं इसको साइड से, बट भाई इसकी भी प्राइस है 30,000 लगभग। भाई इतना नहीं, इतना नहीं भाई, कुछ ज्यादा हो गया ये सब। ASUS का ROG माउस है ये, एक मिनट, ये देखो तो भाई अबे क्या खतरनाक दिखता है दिखने में, लाइक सीरियसली देखो ना गाइस, यूज सेव 50 रुपया। भाई एक मिनट, यहाँ पे डील दे रहे हैं मुझे कि 50 रुपया सेव हो जाए। 27,000 का माउस है, उस 50 रुपया सेव। बाकी तो देखो यार क्या गंदे गंदे दिखते हैं माउस, स्टिल इतने इतने महंगे हैं। और एक एक्चुअली मेरे पास है ना माउस है जो मैं पहले यूज करता था, ज्यादा पहले नहीं, थोड़ा सा पहले। ये है वही लॉजिटेक का ही है। इसका एक मस्त चीज है कि यहाँ पे एक बटन आता है, ठीक है, तो ये ना ऐसे स्क्रोल ऐसे कर सकते हो, ये देखो ब्लिंग। एंड वायरलेस में भी अपने पास एक और माउस है, ये वाला भाई दिखने में बढ़िया दिखता है, एंड ये भी लॉजिटेक का है। लॉजिटेक वालों भाई स्पॉन्सर कर दो वीडियो, इतने सारा प्रमोशन कर रहा आपका। और इसमें भी ये वाला फीचर, ये देखो ये ना ऐसे, एक मिनट इसको कैसे करते भूल गया मैं, हाँ इसको चालू करना पड़ता है, वरना ये भी है ना ब्लिंग जाता है। ब्लिंग मतलब एकदम कंटिन्यूअस स्क्रोलिंग होती है इससे। भाई ये माउस है, इसको देखो ये ऐसे टेढ़ा है पूरा। हेलो, ये देखो दिखाया भी गया इन लोगों ने कि कैसे पकड़ते इसको। भाई ऐसे माउस यूज करोगे, गेमिंग तो होगी ना, आपसे मैं इसकी गारंटी देता हूँ, बाकी पता नहीं। मैंने ना अज्जू भाई को पूछा था यार कि कौन सा मतलब माउस लू, तो उन्होंने ये वाला नाम सजेस्ट किया, लॉजिटेक जी प्रो एक्स सुपर लाइट वायरलेस। ये भी भाई काफी महंगा, लाइक लिटरली 12,000 का माउस है भाई। इसमें क्या है ऐसा, देखने दो यार मुझे, ये देखो इसको लेके आप जीत सकते हो, ऐसे चिल्लाओगे जीतोगे इजीली। बट ये किससे जीता है, मतलब इसके सामने तो माउस भी कहीं पे दिखने रहा है, तो माउस से कैसे जीता ये, वो सब ठीक है। ये क्या भाई 63 grams, मेरा ये वाला माउस सबसे ज्यादा मुझे लाइट वेट लगता था, अगर इससे भी लाइट वेट है तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। और क्या इसमें लाइट स्पीड वायरलेस, ओके 70 hours की बैटरी, ये एक्चुअली अच्छी बात है क्योंकि भाई कितने बार चार्ज करते बैठेंगे। एक्चुअली थोड़ी और चाहिए थी बैटरी, बट मुझे यार सच्ची एक वायरलेस माउस ही चाहिए, अब वायर वाले से तंग आ चुका हूँ, कभी कभी खेलते खेलते अटक जाता वायर, और मेरे इधर काफी सारे वायर्स पड़े हुए हैं। ये क्या भाई, अजीब सा कुछ ना कुछ लिखा है कि 0 additive PTFE फिट, भाई क्या क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा ये सब। ये क्या लिखा है, ओके इन लोगों ने लिखा है कि कैसे इन लोगों ने इसका वेट कम किया, मतलब इसने लिखा है बटन्स हटा दिए राइट हैंड साइड के, उससे कम हो गया वेट, ठीक है। देन क्या क्या, DPI स्विच हटा दिया, एक बटन हटा दिया सीधा वापस, कुछ भी कैसे लोगे। देन PCB वगैरह चेंज का वेट कम करने के लिए, ये खतरनाक लोगे। प्ले टू विन, ओके ये बोलते हैं उनके कीबोर्ड ये सब यूज करो, नहीं भैया मैं यूज करूंगा यही वाले, ये दिखने में मस्त दिखते हैं मुझे। ओके ये इसके अंदर बैठ जाता है, ये अच्छी बात है ताकि गुम ना जाए। बट ये व्हाइट वाला कलर नहीं चाहिए यार, माउस का कलर है ना मुझे ब्लैक ही चाहिए। ब्लैक में भी अवेलेबल, यस अरे ब्लैक में भी अवेलेबल है, तब बात बढ़ी है, एक ब्लैक में भी अवेलेबल है और दिखने में भी काफी खतरनाक दिख रहा है भाई। गाइस इस माउस को हम लोग अभी ले रहे, एंड ये मुझे आ जाएगा कल ही, लाइक लिटरली कल के कल आ जाएगा, आज लूंगा तो द नेक्स्ट डे। ये आ गया दोस्तों अपने पास अपना माउस,
हेडफोन्स पहन लेते हैं यार, अनबॉक्सिंग के लिए हेडफोन्स की जरूरत है। अपने यार टेक चैनल पे जैसे यूज होती है इंडियन मेथड, वैसे यहाँ पे भी हम लोग इंडियन मेथड ही करेंगे। कुछ काटने की जरूरत नहीं अपने को, सीधा अपने हाथ ही काफी। ये देखो दोस्तों, ये बॉक्स एंड भाई अच्छा हुआ इन लोगों ने अनबॉक्स नहीं किया पहले से। चलो बक्सा तो काफी हल्का सा है, सुपर लाइट लिखा है माउस का नाम। एक मिनट, ये भी आवाज सुनवा देता हूं आपको। इसको खोलते कैसे वो ढूंढ रहा हूं मैं। हेलो, ज्यादातर ऐसी चीजों पे ना सील वगैरह होती है साइड से, बट इसमें दिख नहीं रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं इन लोगों ने यूज तो नहीं दे दिया। भाई प्लीज यूज मत दे दो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। आई थिंक नहीं है सील, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, माउस यहाँ से यहाँ पे हिला हुआ था, पक्का सील नहीं होती ना इस पे यार। मुझे चेकआउट करनी पड़ेगी दूसरों की अनबॉक्सिंग, वेट देखते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे एक बंदे की वीडियो दिखी है, तो इसने इस बॉक्स में से निकाल लिया, ठीक है। एंड मेरे पास भी ऐसे ही आया था, कहीं पे मुझे सील नहीं दिख रही है साइड से, पर जो बाहर का प्लास्टिक था, हाँ यार बाहर का तो प्लास्टिक था ही, वही बाहर का प्लास्टिक है बस इसमें। एंड एक्चुअली सेम ही, एकदम सेम ही, कहीं पे सील नहीं। अच्छी बात है भाई, मुझे लगा यूज्ड माउस आ गया अपने पास। चलो एटलीस्ट उतना तो बच गए हम लोग। ये देखो ये कैसे बंदे नाइव्स वगैरह यूज करनी पड़ती है, हम लोग के लिए हाथ ही काफी है, इंडियन मेथड है फुल। तो ये है माउस, ठीक है। एंड वो गाइस, गाइस मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ये वाला मेरा पुराना माउस पत्थर है। ये लाइक ऐसा पेपर जैसा फील आ रहा है, कुछ ज्यादा है हल्का लाइक लिटरली। ये देखिए देखो, ऐसे इस थोड़ा सा ऊपर किया ये हवा में उड़ने लगता है। ओके, नीचे से भी इसके ये है, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। ये कुछ कुछ इन लोगों ने अजीब चीज के ऐसा बताया गया था। एंड आई थिंक ये यहाँ से इसको भी निकालना है। अच्छा भाई, इसको निकाल दे कैसे लोग। अच्छा, गोल घुमा के निकालना था, निकल गया। अबे इसमें से ये कहाँ गया। हेलो ओए, अरे भैया, अरे सच्ची गायब है। एक मिनट, इसके बक्से के अंदर तो नहीं है, उसके बिना माउस से चलेगा। ओके ओके, है ये है अपना रिसीवर, ठीक है। एंड आई एम नॉट श्योर इसको सामने से ऐसी पिन क्यों दी गई है, आई थिंक इसको कन्वर्ट करने में होगा कुछ की वायर में कन्वर्ट करने के लिए। ये छोटू सा रिसीवर आता है, ठीक है, इसको घुमाना मत। और क्या है बक्से में देख लेते हैं ना भाई, अगर अनबॉक्सिंग कर ही रहे तो बक्सा पूरा ही खोल के देखते सही से। मैं नॉर्मली खोलता नहीं हूँ कुछ आने पे अभी। ओह, इसमें केबल है शायद से, इन लोगों ने लिखा तो है केबल। ओके, इसमें केबल है एंड आई एम नॉट श्योर क्यों दिया इन लोगों ने केबल। ओके, ये माउस को सामने से लग सकता है, ठीक है, इसे सामने से माउस को लग सकता है। एंड मे बी इसको आप एज अ वायर भी यूज कर सकते हो। ओके, गॉट इट, समझा। और एक्चुअली अच्छे से यूज कर पाओगे आप इसको एज अ वायर्ड माउस भी। चलो ये बात तो अच्छी है। नीचे एक स्विच है भाई, ये किस काम का ये नहीं पता। ये देखो यहाँ पे एक स्विच है, ये अभी लाल है ना, ये भी ब्लू हो गया, देखो ये भी नहीं पता क्या है, ठीक है। बाकी तो बॉक्स में कुछ भी नहीं है, आई होप इसमें थोड़ी सी चार्जिंग हो। कि चालू बंद करने का तो स्विच नहीं है, इसको सीधा लगा के देखते हैं, चलो आ जाओ। ओके, यहाँ पे जगह है क्या लगाने को। मेरे पास काफी सारी चीजें लगी रहती है पीसी में, तो जगह ही नहीं रहती मोस्टली। चल तो नहीं रहा है अब तक, ओ चलने लग गया। ओके, तो ये चालू बंद का स्विच है गाइस, ठीक है, ये चालू बंद का स्विच है। एंड आई थिंक मेरे पास लॉजिटेक का सॉफ्टवेयर होगा पहले से। ओके, हम लोग है माइनक्राफ्ट के अंदर एंड ऑब्वियसली ये अपना हमेशा वाला वर्ल्ड नहीं, ये तो हम लोग इसमें क्रिएटिव वगैरह भी करके चेकआउट कर लेंगे, इस माउस को चेकआउट करने के लिए बस, ठीक है। कौन से बार में मुझे पकड़ा दिया पता नहीं, ठीक है, अच्छी बात नहीं है दोस्तों, ये कोई इशू नहीं है। हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, मुझे देखना है मार के, लाइक लिटरली कुछ लोगों को मार के देखना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, गोले बुलाते एक, ठीक है, एंड एक सॉर्ड लेते हैं। कौन सी सॉर्ड ले लूं, चलो आयरन सॉर्ड ले लेंगे एंड देन सर्वाइवल करके गोलेम को मार के देखते हैं। आ जा गोलू, आ जा, काफी तेजी से मारूंगा मैं तुझे। ओए ओए भैया, मैं से माउस टेस्ट करने के लिए ऐसे मार रहा हूं, बाद में बोलोगे भाई क्रिटिकल क्यों नहीं दिया। ओ भागो 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 भागो। अबे गोलेम भाई इतना नहीं गुस्सा, अबे गोलेम भैया गुस्सा नहीं करते भाई। ओ दो दो, ओ ना 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 ना, मर जा मर जा, नॉर्मली खेलना पड़ेगा, नॉर्मली मतलब थोड़ा दिमाग लगा के। ओह मार दिया गोलेम ने भाई, माउस कितना भी अच्छा ले लो गोलेम आपको मार ही सकते हैं। वापस गिर के मर गया मैं।
एंड गाइस जैसे कि देख सकते हो खतरनाक ग्राफिक्स धीरे धीरे अपने सारे सर्वाइवल सीरीज में वापस आने ही वाला है। तो भाई सब्सक्राइब करके रख दो यार, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि जल्दी से अपनी सीरीज आगे बढ़ने ही वाली है। इसलिए तो लिया है माउस ज्यादा जोर से हम लोग माइनक्राफ्ट खेल सके। इसलिए एक और गेम खेल के देखते हैं ना हम लोग, ना गाइस अब भी खेल के देखेंगे वैलोरेंट। एक्चुअली मैं इतना अच्छा तो हूँ ना इसमें, अरे यार ये माउस की आदत नहीं ना, तो हेडशॉट डायरेक्टली तो लगना थोड़ा मुश्किल है। ये देखो क्या मारा बंदे ने, भाई क्या मारा मैंने, काफी सारे हेडशॉट फटफट लगने लग गए। माउस का कमाल नहीं यार, इतना सारा मारता हूँ मैं, आजकल थोड़ा सा खेल लिया था इसलिए। और भी हम लोग खेलेंगे सारे के सारे गेम्स, इसलिए गाइस लाइक करके रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलो। और आपको ऐसे टाइप का वीडियो और भी चाहिए होगा तो बताना, क्योंकि मैं यार हमेशा कुछ ना कुछ मंगवाते ही रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।